श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नया प्रसंग लेके आया हूँ। ये प्रसंग मैंने आचार्य श्री पुंडरीक जी से सुना है, जो श्री कृष्ण शरणागति के ऊपर हैं। हम अपने आप को भक्त कहलवाते हैं, हम चाहते हैं लोग हमें भक्त कहें या हम चाहते हैं हम भक्त बने, लेकिन हम सच बताएं तो कुछ भी नहीं है। अब देखिए श्री कृष्ण शरणागति से संबंधित क्या क्या कहा उन्होंने। उन्होंने कहा कि अगर सच में श्री कृष्ण की शरणागति है तो विषम से विषम परिस्थितियों में भी महात्मा विचलित नहीं होते। बड़े से बड़ा रोग भी साधु को विचलित नहीं कर पाता, और कोई सामान्य व्यक्ति हो तो 2-4-5 हजार रुपए इधर उधर हो जाए, थोड़ी सी भी डायबिटीज ऊपर हो जाए, सुनते ही सब खेल खराब हो जाते हैं। ये हमारा भक्तपना है। देखिए हिम्मत रखनी चाहिए। जैसे कोई गर्म बर्तन है, उसको अगर आप नंगे हाथ से छुओगे तो हाथ तो जलेगा ही, लेकिन हम देखते हैं कि कितना भी गर्म बर्तन हो, अगर उसे हम एक कपड़े से पकड़ लें तो हमारा हाथ नहीं जलता है। ऐसे ही रोग आदि दुख आदि तो भक्त के जीवन में आएंगे। भक्तमाला आपने पढ़ी होगी, पढ़ लेना। किसी भी संत महात्मा का चरित्र ले लेना, एक भी ऐसा भक्त नहीं है जिसके जीवन में दुख न हो, जिसका जीवन हमेशा सुखी रहा हो। सांसारिक दृष्टि से महात्मा बुद्ध, महावीर को भी जहर दिया गया। श्री जानकी जी देखिए, जो खुद अवतार हैं, खुद भगवान हैं, आई हैं, लेकिन उनको भी जंगल में भेज दिया गया। यहां तक कि द्वारिका वालों ने ठाकुर जी तक पर दोषारोपण कर दिया, उन्हें भी जंगल जाना पड़ा। मीरा को नहीं छोड़ा, तुलसीदास को नहीं छोड़ा, कबीरदास को नहीं छोड़ा। निंदा करने वाले ने तो हर समय निंदा ही की है। सामान्य जनों को कोई अगर टेढ़ी नजर से देख ले तो उनके रातों की नींद उड़ जाती है, पर कबीर, तुलसीदास, बुद्ध को बड़ी बड़ी गालियां। श्री हरिदास ठाकुर के पीठ पे तो कोड़े बरसाए गए थे, और वो कराते हुए भी मुख से हरी हरी करते हैं। ये है भक्त के लक्षण। कितना भी दुख आए शिकायत नहीं। एक वीडियो मैंने कहा था, मुरारी बापू से सुना, कि शिकायत करने वाला कभी भक्ति नहीं कर सकता। जिसके जीवन में भजन है वो विषम से विषम परिस्थिति में भी मुस्कुराता रहता है। दुनिया वाले रबड़ी रसगुल्ला खाकर भी मरे जा रहे हैं, लेकिन देखिए मीराबाई जहर पीकर भी नाच रही है। राणा भेजियो विस्को प्यालो, पीवत मीरा हासी रे, पग गुंगरू बांधे मीरा नाची रे। तो देखिए श्री पुंडरीक जी ने कितनी प्यारी प्यारी बातें हमें बताई हैं, और बात भी सच है। थोड़ी सी भी कुछ बात हो जाए, हमारी भक्ति डगमगाने लगती हैं, हम कुछ भी उल्टा सीधा सोचने लगते हैं। लेकिन वास्तव में अगर श्री कृष्ण शरणागति हैं तो वह आपकी हर कदम पर रक्षा करते हैं। वो कहता है उसका योग से मैं निर्वहन करता हूँ, तो श्री कृष्ण शरणागत हो जाइए। छोटा सा काम है लेकिन बहुत बड़ी बात है शरणागत होना। तो ये प्यारा सा प्रसंग पढ़ने को मिला, आप तक लेके आया। आगे भी कुछ कथा कहानियाँ किस्से प्रसंग आप तक लाता रहूँगा। आज के प्रसंग को यहीं विराम। आपको मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राधे।